गेसेस तो सब लोगों ने कर ही लिया होगा कि मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यस, ये है मटन बिरयानी इन बंगाली स्टाइल। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को शेयर किया था वेजिटेबल बिरयानी, ये है मटन बिरयानी। मैरिनेशन के लिए मटन ले लिया है मैंने 500 ग्राम, उसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, देन हल्दी पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, फिर मैं डाल रही हूं इसमें गरम मसाला, फिर मैंने डाला है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब डाल रही हूं मैं कर्ड, कर्ड डालिए एकदम थिक कर्ड होना चाहिए। थ्री टेबलस्पून ऑफ कर्ड मैंने डाला है। अब इसमें मैंने डाला है बेरिस्ता, जो फ्राइड अनियंस जो मैंने पहले से ही फ्राई करके रख दिया था। डाल रही हूँ सॉल्ट, अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिए, और चाहे तो इसको हाथ से आप मिक्स कीजिए, क्योंकि हाथ का जो टेस्ट, हाथ का जो प्यार है वो उसमें अगर आप डाल सकते हैं तो इसका टेस्ट अलग ही आएगा। यहाँ पे मैंने मैरिनेट के लिए रख दिया है, 30 मिनट्स आप रख दीजिए मैरिनेशन के लिए। मैंने इसमें पटेटो ले लिया है, पटेटो में थोड़ा सा हल्दी या तो केसर डाल के आप अच्छे से इसको रब करके आप साइड में रख दीजिए। देखिए ये कलर इसलिए हमको अच्छा लगता है क्योंकि बिरयानी में जो पटेटो का जो एकदम बिरयानी वाला जो कलर आता है ना, वो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे मैंने अच्छे से रब कर लिया है पटेटोस, और मैं साइड में अभी रख लूंगी। दूध ले लीजिए 1/2 कप, उसमें केवड़ा और रोज वाटर आप डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डाल भी सकते हैं। इसका एक फ्लेवर अलग सा ही आता है जो बिरयानी में बहुत अच्छा लगता है। चावल मैंने भिगो लिया है, बासमती चावल मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें पानी गर्म के लिए मैंने रख दिया है गैस पे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार, देखिए कौन कौन से मसाले मैं गर्म मसाले डाल रही हूँ। दालचीनी है, लवंग है, तेज पत्ता है, जावित्री है, ये मैंने डाल दिया है अभी पानी में। इलायची को थोड़ा सा मैंने काट लिया है। अब मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस पे, डाल रही हूँ 3-4 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, तेल गरम हो रहा है। तेल गरम होते से ही हमको वो पोटैटोज जो हमने साइड में रखे थे वो हमको फ्राई कर लेना है। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पोटैटोज आप अच्छे से फ्राई कीजिए, क्योंकि इसके बाद जब हम मटन बनाएंगे, मटन के टाइम पे हम पोटैटोज वहाँ पे कुकर में ऐड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अभी इसको दम पे रखेंगे। तो इसलिए मेक श्योर कि पोटैटोज आपके अच्छे से फ्राई हो जाएं। क्या हमारे पोटैटोज फ्राई हो गए हैं, अभी इसको अलग से एक बर्तन में निकाल लीजिए। यहाँ हमारा पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें राइस डाल देंगे, जो चावल हमने भिगो के रखे थे वो हम डाल देंगे। दूसरी तरफ सेम कुकर में, सेम ऑयल पे मैंने जो मैरिनेट किया था मटन वो मैंने डाल दिया है कुकर में। अभी उसको बहुत अच्छे से पकाएं आप। पकने दीजिए मटन को, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पानी में बॉईल अच्छे से आ गया है। अब इस टाइम पे आप आधा नींबू का रस इसमें डाल दीजिए। देखिए चावल हमको पूरा कुक नहीं करना है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, चावल को आपको 80-90% बस कुक करना है। दूसरी तरफ कुकर में मटन अच्छे से कुक हो रहा है, आप देख सकते हैं साइड से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब इस टाइम पे आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए,
1 कप जितना पानी डाल दीजिए, होने दीजिए अच्छे से। अब आप इस टाइम पे कुकर को अच्छे से लगा दीजिए और सिम पे 2 विसल आने तक का वेट कीजिए। कुकर ठंडा होके फिर देखिए ये मटन बनके तैयार। आप देख सकते हैं क्या बढ़िया कलर आया है मटन का। चलिए अब लेयर चढ़ाना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं डालूंगी 1 लेयर मटन का। मटन के साथ आप ग्रेवी भी डालिए। अब आप शुरू कीजिए चावल को डालना। 1 लेयर चावल का होगा। अब आप डालिए बिरयानी मसाला। अब जो पोटैटोज हमने फ्राई करके रखे थे, अच्छे से फ्राई करके रखे थे, वो आप प्लेस कर दीजिए। अब फिर से आप मटन जितना बचा है उसको आप डाल दीजिए। फिर से 1 लेयर बनाइए। फ्रेंड्स, ये मैं आपको शेयर कर रही हूं मटन बिरयानी इन बंगाली स्टाइल, आप जरूर बनाइए। ग्रेवी अच्छे से डाल दीजिए। अब फ्राइड अनियंस उसमें अच्छे से आप डाल दीजिए। अब दोबारा 1 राइस का लेयर इसमें बनाइए। ये कोलकाता स्टाइल में मैं बिरयानी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम एग जरूर डालते हैं। मैंने पहले से ही एग बॉईल करके रख लिया था। अब मैं इसमें डालूंगी बिरयानी मसाला। आपने स्टार्टिंग में देखा था क्या मैंने पोटैटोज भी दिए थे इसमें, तो पोटैटोज और एग मटन बिरयानी में बंगालीज डालते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें घी खूब सारा। अब मैं डालने जा रही हूँ केवरा और रोज वाटर जो हमने बना के रखा था। अब मैं फिर से डाल रही हूँ फ्राइड अनियंस। अब इसको हम फॉइल पेपर से अच्छे से ढक देंगे। ऊपर से एक और प्लेट रख दीजिए और चाहे तो ऊपर से कुछ भारी सामान भी आप रख दीजिए। अब एक तवे के ऊपर हम इसको दम देने वाले हैं। बिरयानी को आप कम से कम 30-40 मिनट्स दम दीजिए। गैस को हमेशा सिम पे रखिएगा। और देखिए ऊपर से मैंने भारी आइटम रख दिया है। बिरयानी बनके तैयार यहाँ पे। चलिए देखते हैं मटन बिरयानी इन बंगाली स्टाइल। खुशबू तो जोरदार आ रही है। देखिए चावल का एक एक कण आपको अच्छे से दिख रहा होगा। मुंह में तो बस पानी आ रहा है। बच्चे एकदम खाने के लिए तैयार। चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं अच्छे से। खुशबू तो जोरदार आ रही है इसमें से। फ्रेंड्स, मेरे रेसिपीज अगर आपको पसंद आते हैं तो देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।